This video is sponsorship by Abhipray Institute Jaipur. Check description for more information. तो दोस्तों जो आज कल पेपर हुआ था उद्योग प्रसार अधिकारी का, जिसका मैंने पेपर भी अपलोड किया था, तो आप में से काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि आंसर की भी डालिए सर. तो दोस्तों वैसे तो मैं डालने की इच्छा नहीं थी, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स थे उनके ऊपर आ चुकी है आंसर की, बट आपको आपको चाहिए थी कि अच्छी क्लियरिटी में हो और ऑथेंटिक अच्छे से उनके आंसर हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं हो और सभी क्वेश्चन आपको साफ साफ नज़र आए. इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए जो अभिप्राय इंस्टीट्यूट है वहाँ से आंसर की अपलोड की है. तो अभिप्राय इंस्टीट्यूट बहुत ही एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप कोचिंग कर सकते हैं दोस्तों पटवारी की, एंड जो भी राजस्थान गवर्नमेंट एंड जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ की उनकी तैयारी आप अभिप्राय इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, जिसका एड्रेस है मेन गोपालपुरा बाईपास महेश नगर रोड गुजर की थड़ी के पास जयपुर. तो ये इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और इसने काफ़ी सारे सिलेक्शन भी दिए हैं, आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट है और इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा. तो दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ था उद्योग प्रसार अधिकारी का इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर सीधी भर्ती परीक्षा 2018 22 जुलाई 2018 का जो RSM SSB के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया गया था, तो इसका पेपर ईजी था एंड जो इसकी आंसर की आ चुकी है एंड आपको काफ़ी चैनल्स पे भी मिली होगी, बट जो अभिप्राय ने जिस प्रकार अपनी जो फैकल्टी है जो सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी है राजस्थान की उसके द्वारा इस पेपर का सॉल्यूशन निकाला गया है. तो दोस्तों अपन देखते हैं कि कैसे क्या आंसर है एंड जो ये एकदम अच्छे से आंसर है और एकदम अच्छी क्लियरिटी में है. अभिप्राय को थैंक्स एंड आप भी यहाँ से कोचिंग कर सकते हैं. अभिप्राय सपने करे साकार मेन गोपालपुरा बाईपास महेश नगर रोड गुजर की थड़ी के पास जयपुर. ठीक है दोस्तों, और ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको इनकी वेबसाइट भी मिल जाएगी तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आपको पटवारी एंड जो और भी वैकेंसीज हैं उन सभी की आप यहाँ से कोचिंग कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स अपन जो सबसे पहले अपना क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो जो इसके क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए माफ़ी चाहूँगा. तो आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे और बताइएगा कि आपके कितने क्या मार्क्स आए हैं, ठीक है दोस्तों. और जो मैंने क्वेश्चंस किए थे 71 अटेम्प्ट किए, तो उसमें से मेरे 62 क्वेश्चंस राइट है, बाकी गलत है. ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता दिया अपना और आप भी अपना बताइएगा. और अपन जो स्टार्ट करते हैं कि किसका क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो आप देख सकते हैं जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि पेटेंट कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है. जैसे कोई अपन कोई चीज़ का इनोवेशन करते हैं, जो इनोवेट करते हैं, तो उसके जो आविष्कार कुछ भी करते हैं तो उसका पेटेंट करवाना जरूरी होता है, तो वो अपन 20 वर्षों के लिए करवा सकते हैं. पेटेंट होता है तो आपको पता ही होगा पेटेंट के बारे में. तो ये साइंस रिलेटेड क्वेश्चन था. एंड तो फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, मानव में वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन जो सेक्स, तो इसका आंसर होगा SRY जीन. एंड जो थर्ड क्वेश्चन है कि जो सेब काटने के बाद वो थोड़ी देर बाद भूरा कलर का हो जाता है, तो सेब को काटने के बाद वो ब्राउन कलर के किस कारण हो जाता है, तो उसका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन केमिकल रिएक्शन. ठीक है दोस्तों, तो थर्ड का आंसर ये हो जाएगा. एंड जो फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन है कि वे नेत्र दोष जिसके कारण दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आपको जो आपके रेटिना है उसके पास में दिखाई देता है, तो इसका आंसर है निकट दृष्टि दोष. तो इसमें जो देख सकते हैं दूर दिखाई देगा तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा दूर का निकट, एंड जो अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसका आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष. ठीक है दोस्तों, एंड तो आपके जो नेक्स्ट इंडस्ट्री एंड जो भी RSM SSB के एग्जाम होंगे तो उनमें ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. एंड जो फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में विभांतर को स्थित रखते हुए जो उसका प्रतिरोध को अगर अपन आधा कर दे तो उसकी जो विद्युत धारा रहेगी उसकी स्पीड डबल हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा दुगनी. एंड जो सिक्स नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा किण्वन उत्पाद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल. एंड जो सेवन नंबर क्वेश्चंस था, तो आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चंस का आंसर कौन सा यौगिक या फिर यौगिकों का है, तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट सेकंड एंड जो फोर्थ क्वेश्चन जो फोर्थ ऑप्शन इसके आंसर है. जो राजस्थान में कितने जिले ODF मुक्त घोषित हुए, जो स्वच्छ भारत मिशन है तो उसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले जो ODF से खुले में शौच से मुक्त हुए, तो इसका आंसर है 27. ठीक है, और जो उसके बाद आ गया कि जो कलेक्ट्रेट के कौन कौन से कार्य हो सकते, तो इसका एक ऑप्शन था फर्स्ट वाला था कि जो अपराध जो पुलिस पर नियंत्रण करना, एंड जो सेकंड का आंसर था कि इसका जो भू अभिलेखों का जो रिकॉर्ड को संरक्षण करना, ऐसा ही कुछ इसका ऑप्शन था. ठीक है दोस्तों, तो आप मिला लीजिएगा आपके क्वेश्चंस पेपर पर. उसके बाद जो 10 नंबर पे क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा तय होते हैं, तो इसका आंसर है राज्य विधानसभा के द्वारा. एंड जो 11th नंबर पे क्वेश्चन है, तो
तो इसके अंदर बता रखा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सांसद नहीं है, तो इसका आंसर है अर्जुन राम मेघवाल। तो वो राज्यसभा से नहीं है, वो लोकसभा से सांसद है। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद जो 12th नंबर पे क्वेश्चन है, नगर निगम की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका बहुत ही इजी आंसर है, इजी क्वेश्चन है। इसकी अध्यक्षता मेयर करता है, जो नगर निगम होता है उसकी, एंड जो नगर पालिका होती है उसकी, जो उसके तो वो नगर पालिका की अध्यक्ष रहता है, एंड जो नगर निगम रहेगा उसका मेयर हो जाएगा, एंड जो नगर पालिका का सभापति होता है। ठीक है दोस्तों, एंड जो मनरेगा कार्यक्रम क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, जो मनरेगा है महात्मा गांधी नरेगा योजना, तो उसका क्रियान्वयन पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। एंड जो 14 नंबर का क्वेश्चन से, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई किसकी होती है, तो सबसे छोटी पंचायत समिति की होती है, उसके बाद तहसील की होती है, एंड उसके बाद जो जिले की होती है, उसके बाद जो स्टेट लेवल की होती है। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन थे। एंड जो उसके बाद है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री। एंड जो राज्यपाल, तो दोस्तों स्पीड से बोलते हैं थोड़ा सा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो राज्यपाल पद पर नियुक्त करने के लिए उपयुक्त है, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। एंड राजस्थान राज्य महिला आयोग का कौन सा निकाय है, तो इसका हो जाएगा सांविधिक निकाय। एंड जो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रपति होते जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। एंड जो 19 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले जज का नाम क्या था, तो इसका आंसर है कैलाश नाथ वांचू। ठीक है, एंड जो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो एंड इसके बाद जो क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए थे, तो इसका आंसर है श्री आईडी दुआ। एंड जो ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 3 की पावर 65 मल्टीप्लाई 6 की पावर 59 मल्टीप्लाई 7 की पावर 71, तो इसका आंसर रहेगा 4, जो इसका लास्ट में क्या इकाई अंक रहेगा सबको गुणा करने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 क्वेश्चन है, एंड अपन इधर आ जाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो दोस्तों ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए थे बीच में, तो आप देख सकते हैं जो जो 22 क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 7 तथा 11 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 9933। एंड जो 23 नंबर है, यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हो, तो उनके योग का क्या होगा, समथिंग ऐसे कुछ क्वेश्चन था जो मल्टीप्लाई का, तो इसका आंसर रहेगा 14:14। एंड जो ABC 3 अलग अलग, तो 10 दिन में तीनों मिलकर कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा, तो इसका आंसर होगा 4 दिन। एंड 2010 में छोटी से छोटी कौन सी प्राकृत संख्या जोड़ी जाए, तो इसका आंसर रहेगा 4th। एंड जो ये है पी 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 ग्रेटर देन P2, एंड तब P1² - P2², तो इसका आंसर रहेगा कि ये एक सम संख्या है। एंड इसमें जो 27 नंबर है कि विद्यार्थी को जो कितने नंबर उत्तीर्ण हुए, तो इसके जो प्राप्त अंकों का कितने प्राप्त अंक है, तो इसका आंसर रहेगा 75। ठीक है, एंड जो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, तो आप देख सकते हैं जो 1 का क्यूब हो जाए, 1 का पहले क्यूब हो गया, फिर सॉरी 1 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद 2 का क्यूब हो गया, फिर वापस 2 का स्क्वायर हो गया, तो इस प्रकार ये इसका आंसर आ जाएगा आपका नंबर सीरीज, ये भी इजी था, तो इसका आंसर है 64। एंड जो इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट वाला, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कंपनी में कौन सबसे अच्छा सेल्समैन है, तो इसका आंसर रहेगा कथन फर्स्ट ही इसके लिए पर्याप्त है। एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, तो पूर्वानुमान वाला था, तो इसके अंदर रह जाएगा केवल पूर्वानुमान, सेकंड निहित है। एंड जो 2 प्राकृत संख्याओं का योग व गुणनफल क्रमशः है 35/12। एंड जो ये घड़ी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट ही था, तो काफ़ी दोस्तों को नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया। एंड इसका आंसर रहेगा 1:27। ठीक है, एंड जो 33 नंबर पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी के आधार पर प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज थी, तो उसका था रसायन शास्त्र, जो केमिस्ट्री वाला आंसर इसका सही है, आपको सभी की टोटल्स करनी थी, एंड जिसकी टोटल सबसे ज़्यादा आ रही थी उसको आपको राइट आंसर मार्क करना था। एंड जो ये बस वाला भी बहुत ही ईजी था, कि अगर कार की स्पीड बस की स्पीड कार से ज़्यादा है, तो वो कितने टाइम में पहुँचेगी, तो आपको पता ही होगा जो सभी ऑप्शंस थे जो 1 घंटे से ज़्यादा दे रखे थे, जो कार से भी ज़्यादा दे रखे थे, तो इसका आंसर अपन मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं और थोड़ा सा रीजनिंग से भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 1 घंटा। एंड जो 1/7 का दशमलव रूप है, तो यह हो जाएगा इसका 0.1428/57 बार। एंड जो 36 नंबर पर है कि पिता व पुत्र की आयु वाला, तो इसमें पिता की आयु ज्ञात करनी थी, तो इसकी रहेगी 36 वर्ष। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं जो
कथन वाला है, तो इसका आप देख लीजिए आंसर ए तथा आर सत्य है तथा आर ए की वास्तविक व्याख्या करता है। जो ग्रेफाइट वाला क्वेश्चन था, साइंस और रीजनिंग मिक्स थी इसके अंदर, कि जो ग्रेफाइट है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स मुक्त रहता है एंड जो इसमें विद्युत का अच्छा सुचालन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स मुक्त रहता है उसी की वजह से ये विद्युत का अच्छा सुचालक रहता है। एंड इसमें आंसर था कि बेमेल को छाटिए, तो इसका आंसर रह जाएगा ये वाला, ठीक है, ये जे 180 आर जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, एंड इसमें 2 की घात 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। एंड जो निम्नलिखित में से पाई चार्ट द्वारा विद्यार्थियों का, तो ये अपन देख लेते हैं, तो इसका आंसर रहेगा जो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर है 5/5 9%। राजस्थान में राज्य के पशुदल के जो भारत में कितना पशुधन राज्य का है, तो इसका आंसर रहेगा कितनी भाग्यदारी है राजस्थान की, तो इसका आंसर है 11.87। ये कुछ आंसर आप सभी ने सही किया होगा उम्मीद करते हैं अपन, ठीक है। एंड जो 42 में है कि जो कौन सा जिला जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित, जो पाकिस्तान का जिला है जो राजस्थान की सीमा पर स्थित नहीं है, तो इसका ऑप्शन थे खीरपुर जो भी थे, तो इसका आंसर जो गलत रहेगा वो है लहेलपुर, ठीक है। और जो 43 पे है मालवा का पठार, मालवा पठार किसका विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़ौती का पठार। एंड जो दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, तो इसके आंसर हो जाएगा तरबूज की। काफ़ी दोस्तों ने इसका धनिया और जो जीरा का क्वेश्चन ऑप्शन भी राइट कर दिया होगा, बट वो गलत था, इसका सही आंसर है तरबूज। एंड जो 45 नंबर पर क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वन्यजीव अभ्यारण्य है। एंड जो 46 नंबर पर क्वेश्चन है कि राजस्थान कार्यक्रमों में से कौन सा एक कार्यक्रम मरु विकास के अंतर्गत नहीं है, तो इसका आंसर है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। एंड जो राजस्थान में गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH-71 भी है, जो अजमेर जिले के किशनगढ़ से नसीराबाद तक ही विस्तृत है। एंड जो 48 नंबर पर क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये भी आपने अच्छे से किया होगा, तो इसका आंसर रहेगा 10.45। काफ़ी जगह किताबों में आपको 10.4 मिलेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से अपन को 10.45 करना है। एंड जो ये आप देख सकते हैं चूलिया प्रताप किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर है चंबल नदी पर। चेत से चूलिया, चेत से चंबल, बहुत ही आसानी से कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये ट्रिक है याद करने की, मैंने इसी प्रकार से आठ से छः से याद किया था। एंड जो 50 नंबर पे क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खादान का कटोरा कहा जाता है, तो किस साइड जो खादान का कटोरा कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो उस साइड आपको पता होगा खेती अच्छी होती है पूर्वी मैदानी प्रदेश की ओर, ठीक है। तो एंड उसके बाद जो अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो उसका आंसर है भरतपुर। जो एक भरतपुर के राजा थे, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी। एंड जो गुडुल्ला नृत्य शैली किस जिले से, किस शहर से संबंधित है, तो वो जोधपुर जिले से संबंधित है, जो गुडुल्ला नामक नृत्य शैली होती है। एंड जो 53 क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था, तो उनको साहित्यिक क्षेत्र में दिया गया था, लिटरेचर फील्ड के अंदर उनको ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। एंड जो 54 नंबर पर है, किस पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर है नवीन राजस्थान। एंड जो आप देख सकते हैं दयाल दास की ख्यात राजस्थान की किस राज्य के इतिहास में संकलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर, ठीक है। एंड उसके बाद अपन आ जाते हैं 56 क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिएगा आप, कुछ जो टाइपिंग एरर्स में अगर कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं, तो अपन जो ऑफिशियल की आएगी उसी को अपन राइट मानेंगे। वैसे तो ये भी 98% इसमें राइट है, बट जो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी यार। एंड जो पत्थरमार होली कहाँ पे खेली जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। एंड जो कोड़ामार होली खेली जाती है, वो उदयपुर साइड उस तरफ खेली जाती है, मारवाड़ साइड में, ठीक है। एंड उसके बाद अपन देख लेते हैं जो 57 क्वेश्चंस है कि राजस्थान की किस संत द्वारा सत्यभामा जी ने रूसन की रचना की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई। जो कृष्ण भक्त मीराबाई थी, उन्होंने इसकी रचना की थी। एंड जो निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातन से काले रंगों से उकेरा गया है, जो तो इसका आंसर हो जाएगा आहाड़ क्षेत्र है, आहाड़ सभ्यता में इसके प्रमाण मिले थे, ठीक है। एंड जो ऋषभ देव का मंदिर किस स्थान में है, तो इसका शायद ये टाइपिंग एरर हो सकता है कि इसमें धुलेव आंसर बता रखा है, बट इसका आंसर रणकपुर रहेगा। जो उदयपुर के अंदर स्थित है ऋषभ देव मंदिर, तो इसका आंसर रणकदेव है, और इसमें शायद धुलेव टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। और आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, मेरे हिसाब से रणकपुर होना चाहिए। एंड मैंने जो बुक्स में सर्च किया तो उसमें भी रणकपुर ही मिला था। एंड जो 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का जो
बनाया गया था, अध्यक्ष तो उसका आंसर है धौलपुर। ठीक है, तो सबसे पहले धौलपुर से ही इसके मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। एंड जो आपको पता ही होगा, जो मत्स्य यूनिवर्सिटी भी धौलपुर के अंदर ही है। ठीक है, एंड जो राजस्थान के कौन से जिले का तापमान सबसे अधिक रहता है, तो कुछ तो दोस्तों आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने भी जल्दी जल्दी में सिर्फ ऑप्शन को देख के क्वेश्चंस को राइट कर दिया, डायरेक्ट चुरू आंसर लगा दिया। सिर्फ मैंने यही पढ़ा था कि किसका तापमान ज़्यादा होता है, ये नहीं, ये पढ़ना भूल गया था कि दैनिक है या वार्षिक है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा जैसलमेर। एंड जो वार्षिक दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा तापमान चुरू जिले का होता है, एंड जो दिन में दिन से देखें तो सबसे ज़्यादा तापमान जैसलमेर का होता है। एंड जो दक्षिणी पर्वतीय चोटी अरावली प्रदेश के किस भाग में, तो दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में गुजरात की बॉर्डर पर, आपको पता ही होगा जो सिरोही जिला है उस साइड अपन दक्षिणी भाग में गुरु शिखर पर्वत की चोटी स्थित है। एंड जो छप्पन का मैदान निम्न में से किस एक नदी से है, तो इसका आंसर है माही। एंड जो 64 नंबर क्वेश्चन से कि निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिरोही। सिरोही जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, एंड जो माउंट आबू होता है उसको शिमला बोला जाता है राजस्थान का। एंड जो अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन सा स्थान है, तो कौन सी सिटी है या कौन सा स्थान है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उसका आंसर झालावाड़ होगा। बट ऑप्शन में अपन को सिरोही दे रखा था, तो सिरोही में सब जिले की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वर्षा सिरोही में होती है, तो इसका आंसर सिरोही होगा। एंड जो राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला चीनी मिल के संयंत्र के कारण प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, तो आपको बताया होगा जो सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती राजस्थान में श्रीगंगानगर में होती है, तो इसी वजह से वहाँ पे चीनी मिलें बहुत सारी है, तो जिनकी जो कारखाना है चीनी मिल्स के, तो उनके धुएं से वहां पे प्रदूषण की समस्या फैल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। एंड जो आप देख सकते हैं राजस्थान में कौन सा एक कारण है राजस्थान की मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है, जो मृदा खराब हो रही है, अपरदन हो रहा है, उसका कटाव हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमानी क्रिया। हिमानी क्रिया क्यों होगा, क्योंकि अपने राजस्थान में बर्फ तो गिरती नहीं है, जो बर्फ से कोई मिट्टी को नुकसान नहीं होता, तो इसका आंसर अपन को हिमानी क्रिया देना है। बाकी जो थर्ड तीन ऑप्शन थे वो सही थे कि उनसे मृदा अपरदन नहीं होता। ठीक है, एंड जो अपन जो 67 है, तो आप देख सकते हैं राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन के क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसमें भी काफ़ी जनों के डाउट है, तो इसके अंदर आंसर बता रखा है सुरक्षित वन। एंड जो आप देख सकते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए, तो राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, तो उसके अंदर राजस्थान के 12 जिले सम्मिलित है, 12 डिस्ट्रिक्ट्स है इसमें अरावली प्रदेश में। एंड जो शेर चोटी है, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी आंसर हो जाएगा 1597 मीटर। एंड इसरदा सिंचाई परियोजना किस साइड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में। एंड जो चोता कमाईचा, एंड जो कौन से लोकवाद परंपरा से जुड़े हैं, तो इसमें तत्वाद है, तो तत्वाद को आपको पता ही होगा जो तार से बने हुए रहते हैं, तार से बंधे हुए जो वाद्य यंत्र होता है उनको तत्वाद बोला जाता है। तो चोतारा में आपको पता होगा तारा लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं तारा से तार, तार का आंसर हो जाएगा तत्वाद, इसका आंसर रहेगा। तो अपन आ जाते हैं 72 क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो ये आंसर की अपन को मिली है अभिप्राय से, अभिप्राय कोचिंग इंस्टीट्यूट जयपुर से, गोपालपुरा बाईपास जयपुर से। ठीक है, एंड तो अपन 72 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा श्री माधोपुर। एंड जो मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी गोविंद गिरी ने। एंड जो 74 क्वेश्चन है, तो इसका है निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूत को शक अथवा सीथियन जाति का वंशज माना है, तो इसका आंसर है जो राजस्थान के बहुत ही फेमस जेम्स टोड है, बहुत ही अच्छे इतिहासकार थे, तो मैं भी इनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स टोड। ठीक है, एंड उसके बाद जो 75 है, पंडित नैनूराम शर्मा ने निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा। एंड 1990 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा परमार शासक थे, जो 1990 में बिजोलिया के जागीरदार थे। एंड जो गिरि सुमेल का युद्ध हुआ था, तो कौन से सन में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1544। जो सुमेल एरिया है पाली जिले में स्थित है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो पाली जिले में है हुआ था ये युद्ध, सुमेल एरिया के अंदर गिरि सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में। जो 1833 में निम्न में से किस शहर को प्रापकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा सिसोदिया। एंड बाकी की जो तीन राजवंश है, चालुक्य परमार एंड जो चौहान है, इनकी अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई थी, तो ये एक ग्रंथ के अंदर बता रखा है। तो एंड जो गागरोन का किला किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा झालावाड़।
झालावाड़ में गागरोन का जिला पाया जाता है, जहाँ पर राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है एंड वहाँ पे जो मौसमी की खेती की जाती है झालावाड़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो निम्न में से कौन सा रूढ़ा के बारे में, जो रूढ़ा होता है रूरल, तो ऐसे ही कुछ है इसका रूढ़ा के बारे में सही नहीं है। तो इसने ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया एंड सांगानारवे बगरू हैंड ब्लॉक पेंटिंग जैसे शिल्प कलाओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्राप्त कर लिया। तो ये इसका गलत रहेगा ऑप्शन। ठीक है, तो गलत ऑप्शन अपन को चूज करना था इसके अंदर। एंड जो 82 क्वेश्चन है, निम्न में से किन शहरों को राजस्थान में स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया था, तो आपको पता होगा जो सबसे पहले चुना गया था उसमें जयपुर था, एंड उसके बाद उदयपुर था, जयपुर और कोटा, फिर उसके बाद अजमेर और उदयपुर को चुना गया था अभी। ठीक है, एंड उसके बाद अपन देख सकते हैं 83 नंबर पे राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा के बारे में निम्न में से क्या है, तो इसमें जो कौन सा कथन आपको गलत था, तो इसमें 80% हिस्सा HPCL का, जो 20% हिस्सा जो राजस्थान गवर्नमेंट का था, तो ये गलत था। तो आपको पता ही होगा जो कौन सी सरकार रहेगी जो 20% हिस्सा अपने पास रखेगी एंड जो बाकी प्रतिशत हिस्सा रहेगा जो प्राइवेट कंपनी इसको सौंप देगी। तो इसी प्रकार आप इसको गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हिस्सेदारी नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन गलत था। एंड राजस्थान की किस प्रदेश में अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है, तो अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध आपको बताया, बाड़मेर, बाड़मेर राजस्थान के अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद अपन आ जाते हैं 85 के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे पता है 20 मिनट का पेपर हो गया, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अपन देख लेते हैं 85, निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है, उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग घटाना। ठीक है, तो हरित क्रांति से ये संबंधित नहीं है, तो अगर जो कीटनाशक को अपन उपयोग घटाएंगे तो उससे क्या होगा, हरित क्रांति कम होगी या नहीं होगी, तो ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें निःशुल्क, अच्छा, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें निःशुल्क नागरिक ईमेल सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों, जो आप SSOID यूज तो हमेशा करते हो, जो राजस्थान में वैकेंसी निकली है उन सभी के फॉर्म SSOID के भरवाए गए थे, एंड इसमें आपको पता होगा जो ऑप्शन रहता है राजमेल का होता है, जिसको जो अपन जो जीमेल की तरह इसको यूज़ करते हैं, राजमेल जो राजस्थान गवर्नमेंट का ऑफिशियल ईमेल का अपन को प्रोवाइड कर रखा है, सुविधा दे रखी है फ्री में, जिससे आप अपना फ्री में ईमेल भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये राजमेल सुविधा है जो आपको SSOID के अंदर मिल जाएगी, अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो आज ही कर लेना, तो ये भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है दोस्तों, एंड उसके बाद जो 87 पर क्वेश्चन है, राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि, तो इसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको पता होगा 2012 से 2017 तक इसका आंसर हो जाएगा। एंड तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि। एंड जो 88 में है, निम्न में से किसी भूमि सुधार का रूप माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूजोतों की सीमा का निर्धारण। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ये हो जाएगा भूजोतों की सीमा का निर्धारण। एंड जो 89 पे है, राजस्थान के वृद्ध उद्योगों की संवृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है, तो उद्यमिता की अभाव, जो बड़े बड़े जो रहते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, तो वो यहाँ पे राजस्थान में आकर जो अपनी प्लांट्स रहती है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री रहती है, यहाँ पे उनको लगाने में घबराते हैं कि यहाँ पे जो उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिल जाएगी, तो एंटरप्रेन्योरशिप रहती है, तो उसके अभाव की वजह से राजस्थान में उद्योगों की वृद्धि नहीं हो पा रही। एंड जैसे गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा है, जैसे मुकेश अंबानी एंड जो और भी विदेशी कंपनियाज है, तो वहाँ पे गुजरात के अंदर बहुत सारे उद्योगों की वृद्धि इसी वजह से हो रखी है, क्योंकि वहाँ पे जो समुद्र तट भी उनके पास है, तो अच्छे से यातायात का साधन भी उनको सुगम तरीके से मिल जाता है, तो इसलिए वो अपने इंडस्ट्रीज एंड जो फैक्ट्रीज रहती है तो उनका वहाँ पे स्थापित कर पाते हैं, इसलिए गुजरात अपन से ज़्यादा डेवलपमेंट है और वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है। ठीक है, जो 90 क्वेश्चन है, राजस्थान में किस योजना के अंतर गाँव के शिक्षित युवा एवं सरकारी संगठन की है, तो इसका ऑप्शन है गोपाल। ठीक है, एंड जो फुल क्वेश्चन आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर जब आप आंसर मिलाएंगे। एंड जो राजस्थान में दिसंबर 2017 तक कितने सार्वजनिक, तो इसका आंसर हो जाएगा 153। तो देख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या था। एंड 2018-19 में राजस्थान के बजट में की गई घोषणा में जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड जो लघु उद्योगों की सहायता के लिए, तो इसका स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर है 1961। एंड 2017-18 में राजस्थान स्थिर कीमतों का इसका हो जाएगा जो है इसका इसका हो जाएगा 6,41,490 करोड़ रुपए। एंड जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत कितने गाँवों के अंदर बिजली पहुँचा दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 261। एंड जो 96 नंबर पर क्वेश्चन है, राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजनाएं बन चुकी है, तो इसमें हो जाएगा 12 पंचवर्षीय योजना एंड जो 3 वार्षिक योजनाएं।
एंड जो आपको 97 जो अपने जयपुर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसका मुख्यालय फिलीपींस के अंदर है, एंड जो इसके अभी वर्तमान के चेयरमैन है ताके हिको नकाउ, ठीक है, तो इनके जो अभी वर्तमान में है ये, तो इसका जो फिलीपींस के अंदर है इसका मुख्यालय एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। एंड जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो जो साउथ एशिया के जो भी कंट्रीज होते हैं उनको मिलाकर बना गया है, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसी आधार पर एशियन विकास डेवलपमेंट बैंक की भी स्थापना की गई है जो साउथ एशिया के एंड जो एशिया के कुछ एक कंट्रीज हैं उनको जो हेल्प करते हैं फंड के लिए। एंड जो 98 क्वेश्चन है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1995, ठीक है। एंड जो राजस्थान के वर्ष 2017 में कुल डाकघरों की संख्या कितनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10,311। जो लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यह क्वेश्चन और भी काफ़ी सारे एग्जाम के अंदर रिपीट हो रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा। तो आपको बताया होगा राजस्थान में जल की कमी है, तो जल जल से ऊर्जा नहीं उत्पन्न हो सकती। एंड जो सौर ऊर्जा के अपन यहाँ पे बहुत सारे कर सकते हैं सौर ऊर्जा की, बट जो अभी इसमें ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ है सौर ऊर्जा के अंदर, एंड जो तापीय ऊर्जा है उसी से अपन जो राजस्थान में ज़्यादा बिजली बिजली का स्रोत माना जाता है इसको, तापीय ऊर्जा को, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस पेपर आपके साथ शेयर करना था, तो देख लीजिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। एंड दोस्तों अगर पसंद आया और आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो 26 मिनट का वीडियो हो गया है, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, और ये आप देख लीजिएगा आंसर मैंने अच्छे से किया है। एंड जो धन्यवाद अभिप्राय कोचिंग सेंटर, अभिप्राय इंस्टीट्यूट जयपुर का, जिन्होंने हमें ये आंसर की प्रोवाइड करी, और हमने इनसे बात की थी कि हम आपकी आंसर की अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर सकते हैं, तो सर ने भी इनकी इसके लिए हमें बोल दिया था कि आप कर सकते हो। तो अगर आप भी कोचिंग करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो जहाँ पे आपको अच्छी कोचिंग मिल जाएगी और अच्छे से आपको गाइडेंस मिल जाएगी और अच्छे से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख लीजिएगा ये आंसर की अभिप्राय इंस्टीट्यूट, सपने करे साकार, एकमात्र संस्थान जहाँ सपने होते हैं साकार, तो इसका एड्रेस आप देख लीजिएगा, मेन गोपालपुरा बाईपास, महेश नगर रोड, गुजर की थड़ी के पास, जयपुर। एंड इनके कॉन्टैक्ट नंबर है, इनकी वेबसाइट से www.abhiprayjaipur.com, एंड फेसबुक पर भी आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके साथ आंसर की शेयर करनी थी, उद्योग प्रसार अधिकारी की पेपर ईजी था, बट जो इन्होंने अच्छे से तैयारी की उन सभी का सिलेक्शन हुआ इसमें होगा, ठीक है। एंड जो कट ऑफ का भी अपन देखते हैं, कट ऑफ में वैसे कभी भी किसी एग्ज़ाम की कट ऑफ नहीं बताता हूँ, क्योंकि कट ऑफ का अपन कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके साथ शेयर करना था बस, और इतना ही, वीडियो लंबा हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, एंड पसंद आया तो प्लीज़ इसमें कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ये वीडियो। 27 मिनट से लगातार बोल रहा हूँ मैं, और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो, हमें कोई आपके ऊपर वो कह नहीं रहे कि आप ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करो, फिर भी आप देख सकते हैं हमने हमारे चैनल ने बहुत ही कम टाइम में इतना अच्छा ग्रो कर लिया है, 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे चैनल के। तो देख सकते हैं दोस्तों हम जो कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस होते हैं एंड जो भी अपडेट्स होती है एग्जाम से संबंधित, वो सभी आपके लिए अपडेट करते हैं। तो अब तक हमने जो 212 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम, और उनमें से उन सभी वीडियोस में आप सभी का अच्छा अच्छा सपोर्ट मिला, ठीक है दोस्तों। और हमने जो 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी कंप्लीट कर लिया हमारे चैनल टेक्नो राजस्थान पे, ठीक दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, एंड पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, एंड आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जिन्होंने अच्छे से एग्जाम दिया, उद्योग प्रसार अधिकारी का आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं बस, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।